नमस्ते गुरु जी, नमस्ते गुरु जी की संगत जी, सबको जय गुरु जी। गुरु जी शुक्राना गुरु जी महाराज दा मल्टीलिंगुअल फेस ग्रुप का फेसबुक का ये ग्रुप है, इसकी मैं सक्रिय मेंबर हूँ। मेरा नाम संगीता डबराल, मैं टोक्यो से, और आज आपके सामने मैं गुरुवाणी की शब्द व्याख्या जो कुछ है सो तेरा वो करने जा रही हूँ। गुरुवाणी की व्याख्या करना कोई आसान काम नहीं है, हम बहुत बहुत ही छोटे लोग हैं, हमारी औकात नहीं है कि हम इस सब को, इस जो संतों की वाणी है, जो गुरुओं की वाणी है, उसको हम शब्दों में वर्णन कर सकें, उसका हम उसकी हम व्याख्या कर सकें। तो ये हमारे ग्रुप का एक प्रयास है कि देश विदेश की भाषाओं में इसको हम इसकी व्याख्या कर सकें, गुरुवाणी की व्याख्या कर सकें। और इसके लिए सारे देश विदेश से गुरुजी के सारे सेवादार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो आशा करती हूँ कि आप सब लोग हमारी भूल चूक को माफ़ करेंगे, हमें क्षमा करेंगे अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो, और गुरुजी महाराज हमको ब्लेस करें, हमको आशीर्वाद दें, सारी संगत पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। आज का शब्द है जो किच है सो तेरा। कबीर, तू करता तू हुआ मुझ में रहा ना हूं की व्याख्या है, हे कबीर प्रभु के दर पर यूं कहो, हे प्रभु तेरी मेहर से हर वक्त तेरा सिमरन करते हुए मैं तेरे में लीन हो गया हूं। अब मेरे अंदर मैं अहम अहंकार का सोच विचार रह ही नहीं गया है। जो किच है सो तेरा, सब कुछ तेरा है, सब कुछ ईश्वर का है, हमारा कुछ भी नहीं है। हे प्रभु आप जी, जब आपा पर का मिट गएगा जत देखा तत तू। हे प्रभु जी, आपका सिमरन करते हुए जब मेरे अंदर से अपने पराये वाला भेदभाव ही मिट गया है तो मैं जिधर देखता हूँ मुझे हर जगह आप ही दिखाई देते हो। अर्थात हमें सब जगह ईश्वर दिखाई देता है, हमें हर पृथ्वी के हर कण कण में, इस सृष्टि के हर कण कण में ईश्वर को देखना चाहिए। सभी ईश्वर की ही संतानें हैं और सभी ईश्वर ने ही बनाया है, सभी कुछ ईश्वर ने ही बनाया है। जब हम होते तब तू ना ही, अब तू ही मैं ना ही। हे माधव जी, जब तक हम जीवों में अहंकार रहता है तब तक आप हमारे अंदर प्रकट नहीं होते, पर जब आप अपनी मेहर हम पर करते हैं तब हमारी मैं दूर हो जाती है। मैं का मतलब यहाँ पर अहंकार से है कि हमारा अहंकार दूर होना चाहिए। हमारे जीवों में अहंकार जो है वो हमारे विनाश का कारण बनता है, तो हमें अहंकार नहीं करना चाहिए, ईश्वर को ही हर जगह देखना चाहिए और हर समय उन्हीं का नाम लेना चाहिए। जो किच है सो तेरा, हे प्रभु जो कुछ मेरे पास है सब आप जी का ही दिया हुआ है, सब आपका ही दिया हुआ है, मैं मेरा कुछ भी नहीं है। हम प्राणी अहंकार करते रहते हैं कि ये सब मैंने कमाया है, ये मेरा बनाया हुआ है, लेकिन सच में ये सब ईश्वर का दिया हुआ है, उन्हीं की कृपा से सब कुछ होता है। मेरा मुझ में किच नहीं, जो कुछ है सो तेरा। प्रभु के दर पे अरदास करो और कहो, हे प्रभु जो कुछ मेरे पास है, यह तन मन धन, इसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं जिसको मैं अपनी कह सकूं। जो कुछ मेरे पास है सब आप जी का ही दिया हुआ है, सब आप ही जी की कृपा है। प्रभु कबीर, मेरा मुझ में किच नहीं, जो किच है सो तेरा। कहे कबीर प्रभु के दर पे अरदास करो और कहो, हे प्रभु जो कुछ मेरे पास है यह सब तन मन धन, इसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं जिसको मैं अपनी कह सकूं। जो कुछ मेरे पास है सब आप ही का दिया हुआ है, सब आप ही की कृपा से हमको मिला है, हमारी तो कुछ औकात ही नहीं है। तो अहंकार को मिटाने की हमें इससे शिक्षा मिलती है। मैं ना ही प्रभु सब किच तेरा,
मैं ना ही, प्रभु सब किछ तेरा। हे प्रभु, मेरी अपने आप में कोई ताकत ही नहीं है, मेरे पास हर एक चीज आप ही की बख्शी हुई है, सब कुछ आप ही का दिया हुआ है। इधे निर्गुण उधे सरगुण, केल करत बिच सुहामी मेरा। हे भाई, एक तरफ तो प्रभु माया के तीन गुणों से परे हैं, निर्गुण हैं, और दूसरी तरफ प्रभु माया के तीनों गुणों के साथ सरगुण हैं। हम दोनों ही हालातों के बीच मेरे मालिक प्रभु ने ये सारा जगत तमाशा रचाया हुआ है। माया प्रभु की रची हुई माया है, ये हमारे हाथ में नहीं है, ये सब प्रभु ने बनाया है, सब चीजें उन्हीं की दी हुई है। जो किछ है सो तेरा, हे प्रभु जो कुछ मेरे पास है सब आप जी का ही दिया हुआ है। कबीर, मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा। कहे कबीर, प्रभु के दर पे अरदास करो और कहो, हे प्रभु जो कुछ मेरे पास है, यह तन मन धन, इसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं जिसको मैं अपनी कह सकूं, जो कुछ मेरे पास है सब आप ही जी का दिया हुआ है। जो कुछ है सो तेरा, जो कुछ मेरे पास है सब आप जी का ही दिया हुआ है। पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत, पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत। हे संत जनों, प्राण शरीर में इस प्रकार हैं जैसे गुरु जीवों की आत्मा के लिए पवन है, पानी सभी जीवों का पिता है और धरती सबकी बड़ी माँ है। दिवत रात दुई दाई दाया खेले सकल जगत। हे संत जनों, दिन और रात दोनों अपनी गोद में सब जीवों की देखभाल करते हुए जीवों को खेल खिला रहे हैं और सारा संसार खेल रहा है। हे संत जन, ये सारे दिन रात जो बनाए हुए हैं ये ईश्वर ने ही बनाए हैं, और ईश्वर ही उन सब जीवों की, जीव जंतु पशु पक्षी इंसान सभी की देखभाल हमारे ईश्वर ही कर रहे हैं और वही जीवों को खेल खिला रहे हैं। ये सारा संसार जिन्हें हम दिखाई दे रहा है, जो हमें लग रहा है हम कर रहे हैं, ये सब ईश्वर कर रहे हैं। चंगी आई आ बुरी आई आ वाचे धर्म हदूर। हे संत जनों, अकाल पुरख परम पिता परमेश्वर की हजूरी में जीवों के किए हुए सब कर्मों को धर्म राज पढ़कर सुनाता है। कर्मी आप आपणी के नेड़े के दूर, कर्मी आपो आपणी के नेड़े के दूर। हे संत जनों, अपने अपने इन किए हुए कर्मों के अनुसार कई जीव अकाल पुरख परमात्मा के नजदीक हो जाते हैं और कई अकाल पुरख प्रभु से दूर हो जाते हैं, अपने अपने किए हुए कर्मों के अनुसार। अर्थात हमारे कर्मों के अनुसार ही हम परमात्मा के नजदीक जा सकते हैं और अपने ही कर्मों के अनुसार हम परमात्मा से दूर जा सकते हैं। गुरु जी ने हमें यह सत्संग, यह शब्द वाणी सुनने का जो सबसे सरल तरीका सिखाया है, ये अद्भुत है, हम सभी इससे जुड़े हुए हैं। जिनी नाम ध्याए आ गए मस्कत धाल, जिनी नाम ध्याए आ गए मस्कत धाल। हे संत जनों, जिन जीवों ने अकाल पुरख परमात्मा का नाम सिमरन किया है, उनकी प्रभु के चरण कमलों में पहुंचकर मेहनत सफल हो गई है। जिन जीवों ने प्रभु का नाम लिया है, जो दिन रात प्रभु का स्मरण करते रहते हैं, जो इसी काम में लगे हुए हैं और ईश्वर की बनाई हुई इस धरती की सेवा कर रहे हैं या इंसानों की सेवा कर रहे हैं, वो सीधा गुरु के चरणों पर, प्रभु के चरणों में पहुंच जाते हैं। नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। कहे नानक, अकाल पुरख परमात्मा के दर वह जीव उज्जवल उज्जवल मुख वाले होते हैं, और ऐसे जीवों की संगत में रहने से कई और जीव भी माया के बंधनों से आजाद हो गए हैं। अर्थात हम लोग जिन जो प्रभु के चरणों से जुड़े हुए लोग हैं, उनके मुख बहुत ही चमकदार होते हैं, उज्जवल होते हैं, और उनकी की संगत में, उनकी संगत में हम सभी अपने इस माया के बंधनों से आजाद हो सकते हैं। इसीलिए गुरु जी हमारे कहते हैं कि साथ संगत में बैठना चाहिए, संगत करनी चाहिए, गुरुवाणी को सुनना चाहिए, जिससे कि हमें
गुरु के बनाए हुए रास्ते, बताए हुए रास्ते पर हम चल सकें और हम सबका कल्याण हो। यही मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। प्रभु के दर पे अरदास करो और कहो, हे प्रभु, जो कुछ मेरे पास है, यह तन मन धन, इसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं जिसको मैं अपनी कह सकूं। जो कुछ मेरे पास है सब आप ही जी का दिया हुआ है। कबीर, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। कहे कबीर, प्रभु के दर पे अरदास करो और कहो, हे प्रभु, जो कुछ मेरे पास है यह सब तुम्हारा ही दिया हुआ है। यह सब ईश्वर का दिया हुआ है, सब उन्हीं का दिया हुआ है और मैं सभी आपको सौंपता हूँ। सत्संगत जी, व्याख्या समाप्त हुई। अब हम सब लोग मंत्र जाप करेंगे। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी की, जय गुरुजी की, जय गुरुजी की। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना साथ संगत जी का। कुछ भूल चुक हुई हो तो माफी, क्षमा मांगती हूँ आप सबसे। आज्ञा दीजिए। जय गुरुजी।